लर्निंग विद अ डिफरेंस में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। 23 फरवरी की स्कूल प्रार्थना सभा के लिए हिंदी समाचार, राष्ट्रीय समाचार। नए सुधारों संग जल्द लागू होगी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। यूपी में भारतीय रेलवे ने तैयार किया ग्रीन इको ट्रैक, शून्य कार्बन उत्सर्जन का है लक्ष्य। LAC विवाद को लेकर सैन्य कमांडर स्तर की अगली बैठक जल्द, बीजिंग में भारत चीन के बीच WMCC की 26वीं बैठक संपन्न। केंद्र ने 22वें विधि आयोग का कार्यकाल 1.5 साल के लिए बढ़ाया, केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया फैसला। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत गुयाना हवाई सेवा समझौते को दी मंजूरी। दिल्ली NCR में लगे भूकंप के झटके, उत्तराखंड में भी हिली धरती। पश्चिम बंगाल में UG पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल होगा स्थापित। भारत और इसराइल के मजबूत होंगे द्विपक्षीय व्यापार संबंध, FTA को मिल सकता है अंतिम रूप। मेघालय इलेक्शंस शांतिपूर्ण मतदान के लिए राज्य भर में CAPF की 119 कंपनियां तैनात, 26 फरवरी को होगा चुनाव। अगरतला एयरपोर्ट पर कार्गो परिचालन बंद, कोरियर व डाक सेवा हो रही प्रभावित। बर्फबारी और ओलावृष्टि के चलते हिमाचल प्रदेश में 121 सड़कें बंद, पानी और बिजली सप्लाई प्रभावित। समाचार अंतर्राष्ट्रीय। G20 देशों के यात्री अब UPI के जरिए कर सकेंगे भुगतान। भारतीय अमेरिकी नेता के प्रयास से जातिगत भेदभाव को प्रतिबंधित करने वाला पहला अमेरिकी शहर बना सिएटल। यूक्रेन में रूस को कभी जीत नहीं मिलेगी, बोले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन। आर्थिक बदहाली से जूझ रहे पाकिस्तान को चीन $70 करोड़ का कर्ज देगा। संकट में पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था, PM शहबाज शरीफ ने विदेश में स्थित कार्यालयों के खर्च में कटौती का दिया आदेश। भारत अब भी आकर्षक स्थल, 2023 में वैश्विक वृद्धि में 15% का देगा योगदान IMF। निकी हेली अमेरिका की घरेलू राजनीति में बटोर रही हैं सुर्खियां। चीन के टॉप डिप्लोमैट ने रूस से कहा, दोनों देशों के रिश्ते चट्टान की तरह मजबूत। समाचार खेल संबंधित। चेस प्रो लीग, भारत के विदित गुजराती ने किया बड़ा उलटफेर, वर्ल्ड चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हराया। लिवरपूल ने होम ग्राउंड पर पहली बार खाए 5 गोल, रियल मैड्रिड ने 5-2 से हराया। IPL 2023 के आखिरी कुछ मैच नहीं खेलेंगे बेन स्टॉक्स, आयरलैंड टेस्ट और एशेज की तैयारी करेंगे। ऑलराउंडर्स रैंकिंग के टॉप 5 में 3 भारतीय, जडेजा टॉप, अश्विन दूसरे और अक्षर 5वें नंबर पर। टाटा बना WPL का टाइटल स्पॉन्सर, 5 साल के लिए खरीदे राइट्स, 4 मार्च से शुरू होगा टूर्नामेंट। विमेंस T20 वर्ल्ड कप में भारत का सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया से। और लद्दाख की जमी हुई पेंगोंग लेक पर हुई मैराथन इवेंट गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ, -20 डिग्री टेम्परेचर पर दौड़े धावक। समाचार बिजनेस संबंधित। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया 6 पैसे टूटकर 82.85 प्रति डॉलर पर। बाजार में लगातार चौथे दिन गिरावट, सेंसेक्स 927 अंक लुढ़का, निफ्टी 4 माह के निचले स्तर पर। विदेश यात्रा पर हर महीने $1 अरब खर्च करते हैं भारतीय। अडानी समूह की कंपनी ने SBI, MF, आदित्य बिड़ला, सनलाइफ का 1,500 करोड़ रुपये का कर्ज चुकाया। केंद्र ने गेहूं और आटे की खुदरा कीमतों को और कम करने के लिए खुले बाजार में अतिरिक्त 20 लाख टन गेहूं की बिक्री की घोषणा की। इंदौर नगर निगम के हरित बॉन्ड NSE में सूचीबद्ध। भारत में बहुत जल्द शुरू होगा सेमीकंडक्टर का विनिर्माण, IT सचिव। समाचार में बस इतना ही, धन्यवाद।